गुड मॉर्निंग किड्स. ओके तो लेट अस स्टार्ट. टुडे इज इंग्लिश टर्न. ओके तो ओपन योर इंग्लिश रीडर बुक पेज नंबर 16. ओके एंड लेसन नेम इज AA to ZZ. तो हम लोग देखते हैं हाउ टू यूज लेटर ए. ये कैपिटल है और ये स्मॉल है, तो कैसे हमें इसको यूज़ करना है, कैसे सेंटेंस बनाया जाता है, तो हम सीखेंगे. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए ए, ये कैपिटल है, ये स्मॉल है. अब इस यूज़ करते हैं कैसे इसको. देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए ए मतलब एक भी होता है ना. ए एम, एम एम मतलब हूँ, ठीक है. ये देखिए क्या है, ये ए एन, एन ये कहाँ लगता है, जब वॉवेल आते हैं तो वॉवेल के आगे, हमने पढ़ा भी तो है, वॉवेल जब हम लोग लेटर्स पर होते हैं उसके आगे ए एन लगता है, ठीक है. आगे देखो ए एन डी, एंड, एंड मतलब और. ये देखो यहाँ क्या है, ए एन टी, आंट, आंट मतलब चीटी. ये देखो क्या है, ए डबल पी एल ई, एप्पल, एप्पल मीन्स सेब. तो चलो देखें कैसे सेंटेंस बनते हैं इससे. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आई हैव अ पेन. देखो ए का यूज़ कहाँ पे है, यहाँ पे, ये यही वाला तो ए है, इसको यहाँ यूज़ किया गया है. एक पेन, यहाँ पे देखो चित्र क्या बना हुआ, एक पेन, एक ही तो पेन है, तो इसको कहेंगे आई हैव अ पेन, मतलब मेरे पास एक पेन है ना. नेक्स्ट देखो, अगर यहाँ पे आपका कोई एप्पल होता, अगर एप्पल होता तो क्या हो जाता, वॉवेल ए, वॉवेल होता है, तो जब अगर एप्पल होता तो आपको यहाँ क्या लगाना हो जाता, ए एन, एन यहाँ पे देखो लिखा भी है, इसका यूज़ हो जाता है ना. अब देखो ए एम कैसे, ए एम मतलब क्या होता है, हूँ. आप ये कह सकते हो, अगर आप गर्ल हो तो आप ये कह सकते हो आई एम अ गर्ल. अगर आप बॉयज हो तो आप कह सकते आई एम अ बॉय, ठीक है. तो इस तरह एम का यूज़ हो जाएगा, है ना. अब आगे देखो यहाँ एक आपके पास और सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको कैसे पढ़ेंगे, दिस इज एन आंट. अब देखो आंट है ना, तो यहाँ पे एन का यूज़ हो गया, यही एन, जहाँ पे हम कह रहे थे कि एप्पल होता, यहाँ आंट बना दिया आपका, अब यहाँ एन का यूज़ हो गया. This is an aunt. यह एक aunt है, चीटी है. इसी तरह आपको इन शब्दों को, इन वर्ड को लगाकर कैसे सेंटेंस बनाना है वो आपको समझना है, और आगे जब बड़े क्लास में जाओगे तो आपको बनाना भी पड़ेगा. अभी आपको सिर्फ ओरली समझते चलना है, ठीक है. इसका मीनिंग समझ लिए हम लोग और कैसे बनाना है, तो आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे बी, बी लेटर बी. ओके तो आगे बढ़ोगे तो नीचे देखो बी, ये देखो कैपिटल है और ये स्मॉल है, ठीक है. अब यहाँ क्या क्या वर्ड है देखते हैं, बेबी, बी ए बी वाई बेबी. दूसरा क्या है, बी ए जी बैग. तीसरा क्या है, बी ए एल एल बॉल. तीसरा क्या है, बी ए टी बैट, बैट मतलब आप लोग जानते ही हैं. बी आई जी बिग, बिग मतलब बड़ा. बी एल यू ई ब्लू कलर, बोट किस कलर का है देखो, ब्लू. बी ओ ए टी बोट, और बी ओ वाई बॉय. ये आपके इतने वर्ड दिए गए हैं जिससे आपको कैसे सेंटेंस बनना है वो सीखना है. आगे देखो क्या लिखा है यहाँ, बॉबी इज अ बिग बॉय. देखो ये बहुत ही बड़ा है ना, लंबा सा है ना, बिग है मतलब बड़ा है, तो बॉबी इसका नाम हो गया. बॉबी यहाँ पे पढ़ा भी था आपने, ये वाला वर्ड, इसी वर्ड को यूज़ करा किया गया है. ये बेबी है, यहाँ बॉबी है, ठीक है. तो इसी तरह जैसे यहाँ बॉबी भी हो सकता था, अब यहाँ देखो यहाँ बॉबी इसका नाम बताया गया है, किसी का भी नाम हो सकता है, ये लड़का जो है इसका नाम है. बॉबी इज अ बिग
बॉय, बॉबी एक बड़ा लड़का है, ठीक है। इसी तरह आपको यूज़ करके, इन वर्ड्स को यूज़ करके कैसे सेंटेंस बनाना है वो सीखना है। देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है, वी वाला, लेटर वी का सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे। देखिए द बोट इज ब्लू, यहाँ देखिए दो यूज़ हुए हैं बी वाले, है ना, इसमें दो वर्ड यूज़ हुए हैं इस सेंटेंस में, बी वाले दो, और बीच में हमेशा स्मॉल लिखा जाता है इसलिए इन्होंने स्मॉल लिखा है। आपको भी जब बीच में लिखना है, सेंटेंस के बीच में लिखना होगा, तो आप स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं, और जब शुरुआत करनी होती है, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ शुरुआत किया गया, या तो नेम, किसी का नेम भी लिखोगे तो कैपिटल लेटर में लिखोगे, और बीच में कुछ भी लिखना होता है तो स्मॉल लेटर में। तो देखो यहाँ बोट भी स्मॉल लेटर में है, ब्लू भी, मतलब दिस बोट इज़ ब्लू, यह बोट ब्लू।